हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं एपेक्स के लिए, जो कि है एपेक्स मूवमेंट गाइड। किस तरीके से आप जो मूवमेंट्स हैं वो बचने के लिए या फिर अपने टीममेट्स को कवर देने के लिए या जल्दी से किसी भी फाइट में पहुंचने के लिए, या अगर आप फाइट लेने जा रहे हो और वहाँ पे ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी है और वो आपको शूट करती है, तो किस तरीके से आपको उनसे बचना है, क्या क्या मूवमेंट्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं, कुछ एडवांस मूवमेंट्स हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताता हूँ। ये जो है नॉर्मल डब्ल्यू है, ये आपकी बेसिक स्पीड है किसी भी कैरेक्टर की। आप रादर देन कोई भी कैरेक्टर चूज़ करो, उसकी यही मूवमेंट स्पीड है। अब अगर मैं इसमें शिफ्ट इन्वॉल्व करता हूँ तो ये हमारी स्प्रिंटिंग स्पीड है शिफ्ट दबाने के बाद, जो बेसिक है। जैसे कंट्रोल से क्राउच है, सी से क्राउच है लेकिन लॉक्ड है, स्पेस से आपका जंप है, ये सारे डब्ल्यू ए एस डी आपका मूवमेंट कीज है। आप शिफ्ट दबाते दबाते कंट्रोल अगर दबाते हैं तो आपका कैरेक्टर स्लाइड करता है एक पर्टिकुलर लेंथ तक, एक डिस्टेंस कवर करता है स्लाइड करके। तो अब हम खुद को या हमारे कैरेक्टर को कैसे बूस्ट देंगे स्लाइड के थ्रू, तो कभी भी आपको नॉर्मल नहीं भागना है, आपको जो भागना है स्लाइड जंप, स्लाइड जंप, स्लाइड जंप। आप देखेंगे जैसे ही आप स्लाइड जंप का यूज करते हैं आपका कैरेक्टर जो है वो फास्ट हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 90 डिग्री टर्न्स कैसे लेने हैं गेम के अंदर। 90 डिग्री का मतलब ये है कि आपका कैरेक्टर यहाँ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और फिर अचानक से आपका कैरेक्टर इस डायरेक्शन में घुस जाता है। यानी कि आपका कैरेक्टर सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, और फिर एकदम से लेफ्ट साइड पूरा मूव कर गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा कोई भी मुझे इस डायरेक्शन से कोई भी शूट कर रहा है इस डायरेक्शन से, तो अगर मैं सीधा सीधा जाता हूँ तो वो मेरे को इजीली शूट कर सकता है। अगर मैं सरप्राइज देते हुए अचानक से ये इस डायरेक्शन में घुस जाता हूँ तो मैं उसके शूट से बच जाऊँगा, मैं उसकी लाइन ऑफ साइट से बच जाऊँगा, लाइन ऑफ फायर से बच जाऊँगा। फिर मैं यहाँ पे हील कर सकता हूँ खुद को, क्योंकि मुझे एक आइडिया रहता है कि वो मेरे से इतनी दूर था तो उसको आने में टाइम लगेगा। इसमें थोड़ा सा जो ट्रिकी पार्ट है वो है आपका एस की, एस की यानी कि आपका वो की जो कि आपको बैकवर्ड ले जाता है, पीछे की तरफ ले जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको स्लाइड करते हुए एस की दबाते हुए वो डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन की दबानी जिस डायरेक्शन में आपको मुड़ना है। यानी कि जैसे मेरे को यहाँ से आते हुए अपने लेफ्ट साइड जाना है तो मेरा जो माउस है वो इस डायरेक्शन में ना देखते हुए इस डायरेक्शन में देखेगा, ताकि मेरा कैरेक्टर का जो बॉडी है, जो मतलब फ्रंट फेस है, वो डायरेक्टली ऑपोजिट उस डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में मुझे जाना है, मुझे यहाँ जाना है। तो यानी कि अगर मैं इधर से भागता हुआ आता हूँ तो मेरा जो माउस है वो इधर फेस करेगा। तो W करेंगे, स्लाइड करेंगे, बैकवर्ड की यूज़ करेंगे और जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन का की दबाएंगे, लेकिन माउस आपका उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आपको नहीं जाना। तो मैं बनी हॉपिंग आपको दिखाता हूँ। बनी हॉपिंग में क्या है, आपका कैरेक्टर जो है वो क्राउच करते हुए कंटिन्यू जंप करता जाएगा और उस मोमेंट को आप माउस से जिस डायरेक्शन में लुक अराउंड करते हैं और आपका लेफ्ट और राइट की से आप अपने कैरेक्टर को मनूवर कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, आपको स्लाइड करना है, स्लाइड करके जंप करना है। जंप करते हुए जो आपका पीक है, पीक ऑफ द स्लाइड है, यानी कि स्लाइडिंग देन जंप का जो पीक है, वहाँ पे आपको ग्राउंड से टच होने से होते हुए दोबारा से आपको जंप करना है। अब इसमें क्या है, अभी जैसे मैंने ये किया जंप जंप जंप, अब ये मेरा नॉर्मल बी हॉपिंग है, ये एक स्ट्रेट लाइन में है। अब इस बी हॉपिंग का यूज़ मैं कहाँ कैसे कर सकता हूँ। सपोज मैं किसी भी गेम में किसी भी एक एंगल पे यहाँ खड़ा हूँ और मुझे पता है कि वहाँ एक एनिमी टीममेट है जो कि मुझे शूट कर सकता है। तो अगर मैं जैसे यहाँ आ जाता हूँ तो वो मुझे, मैं इजीली उसके लाइन ऑफ फायर या लाइन ऑफ साइट में आ जाऊँगा जिससे वो मुझे इजीली शूट कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस छोटी सी मूवमेंट को कवर करने के लिए मैं वहाँ पे बी हॉप यूज़ करता हूँ, या तो मैं स्लाइड करूँगा, लेकिन कई बार अगर वो प्लेयर बेटर है तो वो आपको स्लाइड करते करते ईजिली ट्रैक कर लेगा। अगर आप सोचते हैं मैं जंप करके चला जाऊँगा, तो अगर आप जंप करते हैं तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप जंप करते हो आपका कैरेक्टर जो है वो बेसिकली एक ऐसी
सिचुएशन में आ जाता है जहाँ वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता और वो इजी टारगेट बन जाता है। तो मैं वहाँ पे बी हॉपिंग यूज़ करता हूँ जंप करते हुए, ताकि मैं उस पर्टिकुलर ओपन एरिया से निकल जाऊँ। मैं बताता हूँ इसी बी हॉपिंग में आप किस तरीके से आपका लेफ़्ट राइट या लुक अराउंड माउस से यूज़ कर सकते हो। तो आप स्ट्रेट लाइन में गए, आपने स्लाइड किया, जंप किया, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, मोमेंटम में यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से स्लाइड किया, तो जैसे मेरे को मोमेंटम मिला इस स्लाइड से, तो इस स्लाइड से मेरे को मोमेंटम बूस्ट मिलेगा, तो मैं बी हॉपिंग और ज़्यादा दूरी तक कर सकता हूँ। तो ये आपका छोटा सा बी हॉपिंग है। वॉल जंप में क्या है, ये आपका वॉल जंप है। बेसिकली आपका जो वॉल जंप है वो क्या है, अब यहाँ पे दो तरह की वॉल सरफेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है पिलर। अब पिलर जो है वो ऐसी वॉल है जहाँ पे अगर मैं जंप करता हूँ तो मेरा कैरेक्टर जो है या तो उसको लैच को क्लिंग कर लेता है, या फिर अगर मैं W दबाऊंगा तो उसको पूरा चढ़ जाता है, यानी कि वॉल को, वो वॉल के दूसरी तरफ जाने के लिए, वॉल पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो अभी आपको ऐसी वाली वॉल लेनी है जिस पे आप अगर चढ़ो तो ऊपर आप क्लिंग ना कर पाओ, तो आपको स्लाइड करके जंप मारना है। स्लाइड करके जंप आपको स्लाइड तब करना है जिससे आपको पता रहेगा कि आपका टॉप ऑफ द जंप, जो आपका स्लाइड करने के बाद जो जंप है, यानी कि उसका जो टॉप आर्क है, आपको वहाँ जाके स्लाइड करना है। इसके अंदर मेरे को लेफ्ट या राइट जाना है तो मैं स्पेस दबाऊंगा जब मैं वॉल पे से स्लिप कर रहा, यानी कि मैं एक, आप देखना यहाँ पे एक एनिमेशन आती है कैरेक्टर की आपकी, ये तो ये जो एनिमेशन है ना, ये आपकी लैच एनिमेशन है, यानी कि लैच ग्रैब एनिमेशन है ये वाली। उस वॉल पे क्या होता है कि आपका जो कैरेक्टर है वो वहाँ पे लैच तो कर नहीं सकता, लेकिन इन गेम जो है, गेम को ऐसा लगता है कि आपने लैच ही पकड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देखते ना कैसे कैरेक्टर आपका स्लोली दीवार छोड़ता है, ये देखिए, तो गेम को लगता है कि आप लैच पे ही हो। उसके साथ आप स्पेस प्लस कोई भी मूवमेंट की आप यूज़ करते हो तो आपको वो वॉल जंप का बूस्ट मिलता है। वॉल रनिंग क्या है, ये आपका बेसिक वॉल रनिंग है। बी पॉइंट पे जाना है, यानी कि आपको राइट टू लेफ्ट जाना है। तो आपका जो कैरेक्टर भागेगा वो भागेगा स्ट्रेट लाइन, देन सेम स्ट्रेट लाइन स्लाइड एंड देन जंप, लेकिन आपका जो माउस है ना, लुक अराउंड, वो आपको स्लाइटली इस डायरेक्शन में देखना है जिस डायरेक्शन में आप नहीं जा रहे, यानी कि अभी हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे हल्का सा उस राइट डायरेक्शन में, और उसके बाद जो आपकी लेफ्ट की है यानी कि ए की है, वो आपको इंगेज करनी है ताकि आपका कैरेक्टर जो है उधर देखते हुए इस डायरेक्शन में चले। ये देखो, आपने अगर देखा होगा तो मेरे वॉल जब यहाँ से यहाँ तक इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। कई बार क्या होता है गेम में, रिंग डायरेक्शन ऐसी बनती है कि आपके पास एक वॉल होती है और नीचे पूरा एरिया जो होता है वो एम्प्टी होता है। ओलंपिक्स में काफ़ी सारे एरिया जैसे, वहाँ पे जो आपको ये आपको वॉल रन का जो मेन्यूवर है ना, वहाँ पे आपको एडवांटेज देगा। एनिमी टीम सोचेगी कि आप जो है मैप के उस साइड हो आप, और आप आ ही नहीं सकते उनकी तरफ, तो सोचेंगे बड़े इजी विन है और वो बड़े रिलैक्स हो जाएंगे। तो वहाँ पे अगर आप सरप्राइज़ उनको देते हो कि मैं ये लो कि मैं तो पहुँच गया, तो आपके पास एक एडिट एडवांटेज रहता है।